निधिवन से निकल के हम लोग इस्कॉन टेम्पल वृंदावन में पहुंच चुके हैं। लगभग वहाँ से 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है इस्कॉन टेम्पल। भगवान श्री कृष्ण और राधा के लिए पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में जानी जाती है। विदेश से भी कई टूरिस्ट भारत के इस्कॉन टेम्पल में आते रहते हैं। खास करके दिल्ली और वृंदावन में जो इस्कॉन टेम्पल है वो काफ़ी ज़्यादा ही परिचर्चित है। अगर आप साउथ में जाएँ तो साउथ में भी इस्कॉन टेम्पल है, तो यहाँ कई सारे पर्यटक हैं। खैर अभी तो इस मंदिर में मैं अंदर ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा। इस वक्त मैं इस मंदिर के सामने खड़ा हूँ, जो कि काफ़ी पॉज और काफ़ी यहाँ पे लंबी भीड़ और काफ़ी ये बहुत पॉपुलेशन वाला एरिया यहाँ पे है। तो वैसे भी अभी पैंडेमिक का टाइम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप इस टाइम विजिट करने का जो टाइम है, इस टाइम लगभग 8:15 तक है। अभी करीबन 6 बज रहा है, तो 6 बजे हम लोग यहाँ से विजिट कर चुके हैं मंदिर के अंदर। लेकिन फिर भी अब देखते हैं कितना टाइम लगता है और आगे घूमने को। भगवान श्री कृष्ण और राधा के नाम से ही जाने जाएंगे और उनके लिए ही बनाया गया है। उनमें से एक ये प्रेम मंदिर है, जो कि वाइट मार्बल का बना हुआ यह मंदिर बहुत ही आकर्षक और फिलहाल लगभग 2012-13 के आसपास ये मंदिर बनके तैयार हुआ है। लगभग 50-60 एकड़ में फैला हुआ यह मंदिर और बहुत ही भीड़, और ख़ास करके आज 1 जनवरी है तो भीड़ उसके कारण भी है। और लेकिन यहाँ के लोग बताए कि भीड़ इस मंदिर में काफ़ी रहती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मंदिर है और इसमें कई तरह के वाटर से आप देखते होंगे इमेज बनती है, वाटर फाउंटेन है और भी कई चीज़ें हैं देखने लायक। आपको इस तरफ आर्किटेक्चर का कुछ देखने को मिल जाएगा, भगवान का मूर्ति और उसके बीच में एक सांप का, इस तरह की डिज़ाइनिंग्स इस मंदिर में आपको देखने को मिलेंगे। तो मतलब कि वृंदावन और मथुरा भगवान श्री कृष्ण के लिए ही जाना जाता है। आप देखिए कितनी अच्छी तरह से लाइटनिंग इस मंदिर को की गई है, जो कि एक काफ़ी मनमोहक दृश्य। राधे दोस्तों, आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज 2 जनवरी है तो हम लोग इस रूम को यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। चेकआउट करके हम लोग यहाँ से फिर मथुरा में थोड़ा सा प्लेस विजिट कर लेना है, जन्मभूमि वगैरह। उसके बाद हम लोग आगे आगरा की ओर निकलेंगे, तो चलते हैं। अभी फ़िलहाल 11 बज रहा है, तो लगभग मैंने 11 बजे का ही रूम लिया था, तो 24 घंटे के लिए ये रूम अवेलेबल था। यहाँ से निकलते हैं, फिर रास्ते में आपको यहाँ से जो कुछ भी होगा वो आपको दिखाते चलूँगा। मेरे साथ बने रहें। हम लोगों के सामने ये आप देख रहे हैं जन्मभूमि का ये कृष्ण द्वार है, जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। इसके आगे आपको एंट्री अलाउ इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु जो है इसको लेकर के आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप सॉक्स, जूते, मोजे यही सब पहन के आप एंट्री कर सकते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह कुछ भी सामान अलाउड नहीं है। चाबी, पर्स आप ले जा सकते हैं। तो इसके आगे आपका जो है एंट्री मतलब आप कर सकते हैं। एंट्री का कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है। आगे कोई टिकट काउंटर वगैरह नहीं है। अगर आपके पास सामान है तो आप साइड में इधर गेट नंबर 1 की तरफ आप उधर जमा कर सकते हैं। उसका चार्ज शायद 10 रुपये बैग है। मोबाइल वगैरह आप वहाँ जमा कर सकते हैं। इधर ये सारे मार्केट आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि जन्मभूमि के आसपास है। सामने इधर आपको एक कुंड दिखेगा और इसके जस्ट पीछे यहाँ पे अंदर, क्योंकि हम लोग कैमरा यूज़ नहीं कर सकते तो इसके जस्ट पीछे एक मस्जिद है। तो उधर एंट्री आपको तो इधर से है ही नहीं। और वहाँ पे आप पुलिस फोर्स बहुत सारा तैनात रहता है जो कि आप उधर झाँक भी नहीं सकते हैं। फिलहाल इधर का ये मार्केट है। अगर आप यहाँ से कुछ लेना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। और टाइमिंग जो है सो इसका मैं बता देना चाह रहा हूँ कि टाइमिंग लगभग 8-11 बजे तक का सुबह का टाइमिंग है। फिर 4 बजे शाम से ये खुलेगी। वैसे आप अंदर में विजिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो अंदर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है। मेरे साथ दो अंकल आंटी है जो यहाँ पे विजिट करने के लिए यहाँ आ चुके हैं। आप लोग का दर्शन हो गया अंदर? टाइम से जाती अभी हाँ, क्योंकि 12 बजे के बाद बंद हो जाती है 3 बजे तक। आप लोग कहाँ से आए अंकल आंटी? दिल्ली से आए। अच्छा, चलिए।